अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं यार आप सब? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ सब बेहतर ही होंगे। आज का जो मेरा व्लॉग है मेरे शूज़ के ऊपर है। हुआ ये है कि मैंने लिए थे एसिस के शूज़ कोई 6 महीने पहले दिसंबर में रेबल से, यहाँ पर मेलबर्न स्टोर से, चेस्टन शॉपिंग मॉल से। तो हुआ ये कि वो जो शूज़ है ना मेरे सर, वो हो गए हैं डैमेज आगे से काफ़ी ज़्यादा। और अब उसका सीन ये है इसका कि मैं इसको जा रहा हूँ लेकर रेबल, देखता हूँ कि वो रिप्लेस करते हैं या नहीं, या कंपनसेशन को देते हैं कि नहीं, तो वहाँ जाके ही पता चलेगा। तो मैं आपको शूज़ की कंडीशन दिखाता हूँ। अब ये देखें, यहाँ से भी डैमेज हो रहा है, यहाँ से भी डैमेज हो रहा है, ये वाला भी पीस डैमेज हो रहा है। तो मैं इनको करवाने जा रहा हूँ चेंज और फिर देखते हैं क्या होता है। तो जी निकल पड़ा हूँ मैं चेस्टन जाने के लिए, अभी वहाँ पहुँचता हूँ और दुआ है कि चेंज हो जाए। पहुंचने वाला हूं मैं, चेस्टन आ गया हूं और आप देख लें कब से मैं यहाँ घूम रहा हूं चेस्टन के अंदर भी। इतना बड़ा ये शॉपिंग सेंटर है चेस्टन का कि यहां पर मुझे एग्जैक्ट जहां मुझे रोकना है गाड़ी को वहां पे भी जाने में टाइम लगना है। अच्छा जी, मैं पहुंच चुका हूं चेस्टन शॉपिंग मॉल के अंदर और अब मैं जा रहा हूं रेबल में। तो यहां रेबल ढूंढना भी पड़ेगा मुझे और इतना बहुत बड़ा चेस्टन है, जैसे कि आपने देखा पार्किंग लगाने के लिए कितनी मुझे गाड़ी ड्राइव करनी पड़ी है। तो अब मैं चलता हूं अंदर की जानिब और आपको थोड़ा सा इसका दिखाता हूँ बाहर का व्यू भी, चेस्टन से एंट्रेंस कैसी है इसकी। पहले बात करते हैं इनसे, इनके अंदर वीडियो तो अलाउ नहीं होगी तो इसलिए मैं पहले बात कर लूँगा, फिर बताता हूँ आपको शूज़ रिप्लेस हुए हैं क्या किया है, कंपनसेशन देते हैं क्या करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। ऐसा है कि यार मैंने उनसे बात की है तो उन्होंने पहले हाथ ही मुझे कह दिया कि क्या बताऊँ यार, उन्होंने मुझे पहले हाथ ही कह दिया भाई साहब के आप चेंज कर सकते हैं, हमारी 12 मंथ की वारंटी होती है। यार ये बात है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में वैसे आप कोई ब्रांड ले लेना ये हमेशा आपसे कंप्रोमाइज़ करेंगे और रेबल बड़ा अच्छा है यहाँ पर, इनके पास तमाम ब्रांड्स होते हैं। तो मैं अब शू पसंद करने लगाऊँ, देखता हूँ शायद नाइकी इस बार मैं ले लूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा डिसऑर्डर हुआ इस वजह से अभी, तो मैं नाइकी की तरफ जाना चाह रहा हूँ। तो मैं लाइक पसंद करता हूँ, फिर बताता हूँ आपको भी कौन सा लिया है। Created a space in my head it was empty. ऐसा है कि यार मैं ना काफ़ी देर से डिसाइड करता कौन सा शूज़ लूँ कौन सा शूज़ लूँ, तो काफ़ी ज़्यादा मैंने देखे और अपनी अम्मी से साथ डिस्कस करा था फ़ोन पे कौन सा लूँ था, व्हाट्सएप पे तस्वीरें सेंड हो रही थी तो मैं उसकी नहीं हर चीज़ की वीडियो बना सकूँ, यहाँ रोकते हैं बार बार। तो अभी मैंने एक पसंद किया है, इसको मैं ट्राई करूँगा और ट्राई करके देखते हैं कि अच्छा लगता है कि नहीं। We have a purpose.
this one. What size? I don't have an idea. Yeah. I think 8 or 9. 8 or 9. Might be. Yeah. What size are these? I think. So we will take for myself shoes. Then we will sit here and shoes check. Karenge, you know. तो गाइस कहानी में आ गया है ट्विस्ट. जो शूज़ मैंने पहले पसंद किया था वो भाई साहब उसमें मेरा साइज़ ही नहीं मिला. तो मैंने अब ये किया है कि मैंने एक और डिज़ाइन पसंद किया है और मुझे लगता है कि इस पर शायद मुझे मेरा पसंदीदा कलर तो यही है, शायद मेरा साइज़ भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. तो ये है वो शूज़. Let me check. Try this one. It's a little bit bigger than that one. Yeah. It's 10 number? 10, yeah. Yeah. Thank you. It's क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे ना ये तंग करेगा. छोटा है, दूसरा ट्राई कर लेना चाहिए. ये मिनी फॉर्म में छोटा सा ही है, फॉर्म बड़ा सा ही है. भागा जाओ. हाँ ठीक है, बड़ा साइज चाहिए. छोटा वाला थोड़ा तंग कर रहा है. आई थिंक दैट वन इज गुड. या थैंक यू. तो जी ये देखो, उन्होंने मुझे दे दिए नए शूज. तो ये हो गए हैं रिप्लेस. अब मैं जा रहा हूँ काउंटर पे पेमेंट करने के लिए. अच्छा यार, उन्होंने मना किया था वीडियो से. लेट मी ट्राई. I still like, oh no, it's already the time of month. I have to pay. Alright, so we just a difference of $40. Yep. Thank you. Thank you for your favor. Hi, all good. Should I show my Rebel membership card? Oh, it popped up already, so I got it. Oh, that's good. Go to the membership. Yeah, thank you. Receipt's just inside the... Yeah, sure. Thank you so much. Have a good one. See ya. Thank you. तो बात ये है यार, मज़ा आ गया रेबल की सर्विसेज का भी. इन्होंने बड़ा अच्छा मेरे से कॉम्प्रोमाइज़ किया. एक दफ़ा ही कहने पे उन्होंने कहा ठीक है, नो वरीज, हमारे पास 1 ईयर वारंटी है तो आप इसको रख दें और जौन सा मर्जी शू दे लें. और डिफरेंस अगर आपको एक्सपेंसिव लेते हैं ज़्यादा, उसका डिफरेंस पे कर दें. फर्स्ट मैंने नाइकी का माइंड बनाया. नाइकी में मुझे कोई मज़े के मॉडल्स नहीं नज़र आए. मैंने पूछा था उनसे, कह रहे थे अभी शिपमेंट्स जुलाई में शायद आएँ.
बट मुझे अभी चाहिए थे, मेरे ख़राब हो गए थे शूज़ मेरे पास, बाकी हार्ड शूज़ नहीं था, मुझे सॉफ्ट जेल वाले चाहिए ही चाहिए थे, तो मैंने इसलिए अभी लेने थे, तो मैंने डिफरेंस पे कर दिया जो मुझे पसंद आया, मुझे मैंने ले लिया था मुझे तो खुद नहीं याद रहा कौन सा ले लिया, हाँ एडिडास, हाँ एडिडास लिया अच्छा शूज़ है। तो दिखाता हूँ थोड़ा सा चेस्टन का शॉपिंग मॉल, यहाँ की हलचल, और फिर हम चलते हैं अपने घर की तरफ। तो यार मैं आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करूंगा और अब मैं सीधा घर जाऊंगा, तो आज के लिए मेरा यही व्लॉग था, फिर मिलेंगे, मुलाकात होगी आपसे दोबारा नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।